हमीरपुर जिला के भोरंज में नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देने के नाम पर दुष्कर्म किए जाने पर अदालत ने 10 साल की कठोर सजा के साथ दो धाराओं में 3,000 और 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। आरोपी लड़की को शादी का झांसा देते हुए हरिद्वार भगाकर ले गया था और वहां पर काफी दिनों तक किराए के मकान में अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने चंचल देव उर्फ पिंकू सुपुत्र कृष्ण चंद गांव भोगो नगरोटा गासिया भोरंज के खिलाफ जुर्म साबित होने पर धारा 363 में 3 साल कठोर कारावास व 3,000 जुर्माना और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर सजा एवं 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि पीड़ित नाबालिग लड़की की माता ने 30 मई 2017 को भोरंज थाना में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश में लड़की को दोषी के साथ सुलघान से बरामद किया था। वहीं पीड़िता ने अपने बयान में अपने साथ हुई आपबीती को बताया। अदालत में दोषी के खिलाफ जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। मुकदमे की तफ्तीश एएसआई चमन लाल ने की। विशेष न्यायाधीश माननीय श्री पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी चंचल देव एलियस पंकू सन ऑफ कृष्ण चंद गांव भोगो पीओ नगरोटा गाजिया तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के खिलाफ पॉक्सो की धारा 6 एवं 363 आईपीसी के तहत जुर्म साबित होने पर 363 आईपीसी के तहत 3 साल का कठोर कारावास और सेक्शन 6 पॉक्सो के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3,000 रुपए जुर्माना और 10,000 रुपए जुर्माना दोनों धाराओं में अलग अलग सुनाया है। जुर्माना ना देने की सूरत में 363 सेक्शन के तहत 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और सेक्शन 6 में जुर्माना ना देने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा उसे भुगतनी होगी। मामला कुछ इस प्रकार का था कि पीड़ित लड़की के की माता ने दिनांक 30/5/17 को थाना भोरंज में अपनी नाबालिग बेटी को के गुम होने वाला तथा दोषी द्वारा उसे शादी करने की नियत से भगाने के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस बारे में मुकदमा नंबर 67/2017 पीएस भोरंज में दर्ज हुआ था। इस मामले की तफ्तीश एएसआई चमनलाल ने अमल में लाई थी और दोषी को लड़की के साथ सुलगान में पकड़ा था तथा दौरान तफ्तीश पाया था कि 29/5/17 को दोषी उसे शादी का झांसा देकर हरिद्वार ले गया तथा हरिद्वार के पास वहां एक कमरा किराए पर लेकर दिनांक 8/6/17 तक वहीं पे उसको रखा और उसके साथ गलत कार्य किया शादी का झांसा देकर। और जुर्म साबित होने पर आज माननीय अदालत ने ये सजा सुनाई है।